हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक हॉल वीडियो है क्योंकि पर्पल पे ये सेल चल रही थी जिसको आई हार्ट ब्यूटी सेल कहा गया था। उसमें आपको बाय वन गेट वन या फिर बाय फोर गेट फोर, बाय थ्री गेट टू, बाय फोर गेट थ्री, आपको इतने सारे ऑफर मिल रहे थे। इन शॉर्ट आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा था। तो मैंने भी पर्पल से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे जो मुझे आज ही रिसीव हुए हैं और मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसको ओपन करना चाहती थी। मैंने इसको परसों नाइट में इसको ऑर्डर किया था एंड आज मॉर्निंग में मुझे रिसीव हो गए और मैं बस आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आप लोगों के सामने ही मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। वैसे मैंने इसको जब ये मॉर्निंग में आया था तो उसको सैनिटाइज करके बहुत सारा सैनिटाइज़र इसके ऊपर मैंने ऐसे सोच लो घेर ही दिया, ऑलमोस्ट पूरी बॉटल। और अभी हो रहे हैं कोई 5 बज रहे हैं, मतलब 5 बज रहे हैं अभी, और मैं इसको अब ओपन कर रही हूँ। काफ़ी सोच लो 3-4 घंटे तक मैंने इसको सैनिटाइजेशन के लिए रखा ही हुआ था। इसको ओपन करने में टाइम लगता है लेकिन मैं इसको आप लोग के साथ ही ओपन करना चाहती थी इसलिए अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो ये इस तरीके से अंदर आए हैं मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। मैंने NYBA के कुछ प्रोडक्ट परचेज करे हैं एंड मैंने एक अपना इलाइट मेंबरशिप का कार्ड लिया है, मतलब मेंबरशिप ली है मैंने। 179 rupees में मुझे मिल रही थी और सबसे अच्छी बात मुझे उसके साथ एक मामा अर्थ का सनस्क्रीन भी मिला है। तो मैंने कुछ लिपस्टिक्स मंगवाई हैं NYBA की ही। मेरे पास प्राइमर नहीं था तो मैंने प्राइमर मंगवाया है, जेल बेस प्राइमर नहीं था। वैसे मेरे पास प्राइमर है लेकिन मेरे पास जेल बेस प्राइमर नहीं था तो मैंने प्राइमर मंगवाया है। और मुझे एक डार्लिंग इजाबेल की लिपस्टिक भी फ्री मिली है क्योंकि उस पर ऑफ़र था कि एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। तो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट में यहाँ पे डार्लिंग इजाबेल की लिपस्टिक फ्री में मिली है। टैन टैन टैन, कितने सारे प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले तो ये दिखा दूँ, मेरा ये फ्री प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने इलाइट मेंबरशिप ली है तो मुझे उसके साथ ये मामा अर्थ की सनस्क्रीन फ्री मिली है। एंड मामा अर्थ की ये पहला प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ तो देखते हैं कि कैसा होगा। अगर मैं बिना डिस्काउंट की बात करूँ तो मेरा जो बिल आता, मेरे को जो पे करना होता वो तकरीबन अप टू 1500 के करीब मुझे पे करना होता लेकिन मैंने इसके सिर्फ 700 रुपये पे करे हैं। वो कैसे, जब मेरे को ऑफ़र मिला बाय फोर गेट फोर तो मैंने अपने 8 प्रोडक्ट अपने कार्ट में डाले और मेरे जितने भी सारे एक ही बराबर ही थे, 2-25 का ईच प्रोडक्ट था। तो मेरे को जो है 4 प्रोडक्ट के पेमेंट करनी पड़ी एंड 4 प्रोडक्ट मुझे फ्री मिले तो मेरा बिल बन रहा था 794 के करीब। लेकिन मैंने एक कूपन और अप्लाई किया गेट 100 तो मुझे 80 rupees की और छूट मिली। तो मुझे ये टोटल प्रोडक्ट जो मिले हैं वो 745 rupees में मिले हैं। और मैं बता दूँ मुझे इसमें 2 प्रोडक्ट फ्री में मिले हैं, वो है ये मामाअर्थ का सनस्क्रीन, मैंने आपको पहले भी बताया, और मुझे एक डार्लिंग इजाबेल की लिपस्टिक फ्री में मिली है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है और मुझे फ्री भी वही मिली है। और अगर मैं इलाइट मेंबरशिप नहीं लेती तो मुझे ये फ्री नहीं मिलता लेकिन ये फ्री मिलता ही मिलता क्योंकि उसमें ऑफ़र कुछ इसी टाइप का था। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि क्या ऑफ़र चल रहा था या फिर जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आई थिंक तब तक जो है सारे ऑफ़र्स चले गए होंगे क्योंकि जो सेल चल रही थी वो 4 अगस्त से शुरू हुई थी एंड 8 अगस्त तक चली थी और आज 8 अगस्त ही है, मुझे रिसीव आज हुई है तो मैंने इसलिए शूट भी आज ही किया है। और 179 700 में से अगर आप 179 माइनस कर देंगे तो ये प्रोडक्ट मुझे कितने सस्ते मिले हैं आप खुद इमेजिन कर लीजिए और ख़ुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने एक एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या अपने लिए ऑर्डर किया था लेकिन उसके स्वॉचेस नहीं दिखाऊंगी, इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक छोटू सी वीडियो बनाने वाली थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये कंसीलर। मैं कंसीलर बहुत दिनों से सोच रही थी, मैंने काफ़ी यूट्यूबर को देखा है ये वाला कंसीलर यूज़ करते हुए। अब मुझे पता नहीं कि मेरा शेड इसके अंदर सही होगा भी नहीं होगा, मैंने इसके अंदर अपना शेड 1 मंगवाया है। बस इसमें यही प्रॉब्लम रहती है NYB के प्रोडक्ट में कि शेड हम पता नहीं लग पा रहा होता है, कि क्योंकि इतने सारे शेड्स होते हैं तो शेड्स पता ही नहीं लग पा रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा वाइट एंड मिल्क चॉकलेट प्रिज्जल करके मेरा शेड है, शेड नंबर 1। मैं आपको बस यही बता सकती हूँ कि शेड नंबर 1 है, वो मुझे जाएगा या नहीं जाएगा वो तो जब मैं यूज़ करूँगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं इतना बोल दूँ NYB के प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं। मैंने इसका लाइनर यूज़ किया है, मैंने इसके और भी कंसीलर यूज़ करे हैं, तो NYB के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट में NYB के ही मंगवाए हैं। और मैंने यहाँ पे अपनी मंगवाई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एक लिपस्टिक अभी भी नहीं आई है, या तो फिर पर्पल वालों ने वो मुझे भेजी नहीं है। लेकिन बिल में लिखा हुआ है वो लिपस्टिक आई है, मैंने क्योंकि अनबॉक्सिंग भी अभी करी है, वरना मैं उनको मेल कब की कर चुकी होती। एनीवेज़ वो तो मैं देख लूँगी। एक मैंने आर्गन ऑयल वाली लिपस्टिक मंगवाई है, क्योंकि लिपस्टिक मैंने पहले भी मंगवाई थी, मतलब आर्गन ऑयल वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और एक ये मेरी लिपस्टिक है NYB की, टोटली मैट लिपस्टिक है इस, ये मेरे पास पहले भी एक और थी मतलब इस टेक्स्चर की, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, तो मैंने वैसी ही उसी ही टाइप की मैंने लिपस्टिक एक और मंगवाई है। एंड कंसीलर मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड मैंने यहाँ पे मंगवाया है ये प्राइमर, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है ये जेल बेस्ड प्राइमर है, एंड जिनके ओपन पोर्स की दिक्कत होती है, टच फूड, अब तो मुझे ओपन पोर्स की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी DIY वीडियोज़ DIY रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ, तो मुझे अब ओपन पोर्स की दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने ये मंगवा लिया। एंड मैंने ये फेस सीरम मंगवाया है, इस पर लिखा हुआ था ये एक्नेस को दूर करता है, इसके अंदर एक एसिड है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड, जो भी इसका प्रोनंसिएशन होगा मुझे अच्छे से आ नहीं रहा कहना। और इसमें ये भी लिखा हुआ है ये पोर्स को डीप क्लेंस करता है, ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, ये सीबम के प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करता है, तो इसलिए मैंने ये वाला सीरम चूज़ किया है। एंड जो मुझे 2 प्रोडक्ट फ्री मिले हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे एक मामा अर्थ का सनस्क्रीन फ्री मिला है। एक्चुअली बात ये है, जो कोई भी सनस्क्रीन जो है सूट नहीं करता है, खाली एक सनस्क्रीन है, एक सनस्क्रीन है जो मुझे सूट करता है, वो बॉडी शॉप का था, वो अब आना ही बंद हो चुका है, इसलिए मैं अब सनस्क्रीन अप्लाई ही नहीं कर रही हूँ। एंड अब देखते हैं, ये स्पेशल इंडियन स्किन टोन के लिए है, तो अब मैं इसको अप्लाई करके देखूँगी, फिर इसका रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड मुझे ये डार्लिंग इजाबेल की लिपस्टिक फ्री मिली है, मुझे एक बार पहले भी फ्री मिली थी, इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब लगाने के बाद फटाफटा सा नहीं लगता है, तो मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। लेकिन मेरी एक लिपस्टिक अभी भी मिसिंग है, मुझे नहीं पता कि वो इसमें आई नहीं या इधर उधर गिर गई, पर गिरी नहीं, आवाज़ आती मुझे, फिर भी मैं चेक कर लूँगी। मैंने जितने भी इस बार लिपस्टिक के शेड्स मंगवाए हैं वो सारे के सारे न्यूड शेड मंगवाए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेड लिपस्टिक्स भी हैं, मेरे पास पिंक शेड बहुत सारे हैं, मेरे पास पीच शेड बहुत सारे हैं, खाली न्यू शेड्स मेरे पास ऐसे थे जो बहुत ही लिमिटेड थे, तो मैंने थोड़े से जो है इस बार न्यू शेड मंगवाए हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत छोटा सा हॉल था, मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया हो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मैं मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।